जनता की ओर से प्रोटेस्ट किया गया है। देखिए जो स्टेट लोड है, जो लोग 75 साल से इस जमीन को, इस जमीन से खेती जा रहे, मैं समझता हूँ कि आज किसी ने जमीन को कब्जा नहीं किया है। आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, 75 साल से लोगों ने उस जमीन को कब्जा कर रखा है। उस जमीन को अपने लोगों ने अपने बच्चों की तरह संभाल के रखा हुआ है, पाल के रखा हुआ है। आज सहार आज ये कहे कि ये स्टेट लोड लोगों से छीन जाएगी, ना लोगों के आशियाने जो लोगों ने अपने घर बनाए उन घर को दिया जाएगा। मैं अलवीर साहब से ये गुहार लगाता हूँ, अलवीर साहब आप जो गरीबान है उस आवाज दिया हुआ आप देखे, ऐसा जुल्म लोग के साथ ना करे, क्योंकि ये गरीब आवान है। हाँ हम ये कहते हैं आप जमीन ले लीजिए, तो लैंड माफिया है। देखिए मैं उन मेडिकोर्ट साहब को सुन रहा था जिन्होंने इस जिन्होंने एक एप्लीकेशन की थी कोर्ट के अंदर, तो जो लैंड माफिया है जिन्होंने 500 करोड़ जमीन है, 600 करोड़ जमीन है, उन लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। मतलब जो मेरी गरीब आवान है पुंछ की आवाम, हमारे जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम के साथ में चला जाए, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ, आपकी एक मेहरबानी होगी। मैं जी से बार बार गुहार लगाता हूँ, साथ में आपको एक बात बताऊँ, जो रिफ्यूजी लोग हैं, रिफ्यूजी लोगों का हक है, वो 40 करोड़ जमीन चाहे स्टेमर हो, चराई हो, हल फेर हो, वो रख सकते हैं। उस कानून के तहत रिफ्यूजी को भी अपना हक दिया जाए। जिस बंदे के पास जमीन ही नहीं है, स्टेमर में रखा है, वो भी आप छीन रहे हो तो वो कहाँ जाएंगे। मैं बार बार आपसे फिर अपील करता हूँ, एलजी साहब इन गरीबों की तरफ देखे, एक कानून बना दे, मेरी जम्मू कश्मीर की आवाम को बख्शे, ताकि मैं गरीबों का प्राण चाहूंगा, भारत माता की जाए। ये जो प्रोटेस्ट है ये उस गरीब आवाम के हक में है जिन्होंने पूरी उम्र अपना काम करके एक एक मरले में जो है 2-2 कमरे बनाए हैं। उन लोगों के खिलाफ जो है एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी उम्र की कमाई जो है वो उन्होंने उन कमरों में लगाई हुई है। मैं कहता हूं ये इलीगल एनक्रोचमेंट ड्राइव होनी चाहिए, लेकिन उन लैंड माफियाओं के खिलाफ जिन्होंने 50-50 कनाल 100-100 कनाल रोशनी लैंड के एक्ट के तहत जिन्होंने खालसा सरकार जो है वो दबाई हुई है, घास चराई जो है वो दबाई हुई है, उन लोगों के खिलाफ ये एनक्रोचमेंट होनी चाहिए, ये जो ड्राइव है होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने, जिन अफसरों ने, जिन तहसीलदारों ने, पटवारियों ने पैसे खा करके ये जो है लाट की हुई है, उन लोगों के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर ये जो एसडी साहब से कहता हूँ कि हाथ जोड़ कर मैं अपील करता हूँ कि ये जो गरीब लोग हैं, तो आपकी सरकार और सरकार से पहले जो यहाँ पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर जिन्होंने अपने सिग्नेचर किए हैं, जिन्होंने खालसा सरकार स्टेनलाइन जो लोगों के नाम पर की है, करप्शन करके भारी तादाद के भी जो पैसा इकट्ठा किया है लोगों का, आज लोग उनकी वजह से आज परेशान है, और उस टाइम जो नियम होता आज लोग जो परेशान होते। आज हमारे भाइयों ने दिन रात करके एक एक रुपया इकट्ठा करके जो है 2 मरले 5 मरले 10 मरले प्लान लिया, उसमें भी अपना घर बनाया है। आज सरकार बोल रही है कत्तू चंद्री को हम लिक्विड कर रहे हैं, हम बंदोजों के साथ है सारा विचारा, लेकिन बंदोजी वहां चलने चाहिए जिन्होंने देश के साथ जो आग मछली की है, बड़े बड़े मगरमच्छ है, हमारे नेता है, हमारे अफसर है, सरकार का वादा था, सरकार ने जो भी वादा किया देश के साथ, जो भी नया कानून लाया जैसे अग्निवीर के साथ कानून है, हमने समर्थन दिया, हमने समय ले, हमें फुल हो जाती है सामने आए, सरकार ने देश की लिए बात किया। लेकिन ये वैसा जो सरकार लेके आई है पिछले 12-15 दिन से लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग रोने भी आ जाएंगे। मैं मानता हूँ सरकार जो डिसीजन लेती है वो सही है, लेकिन ये डिसीजन सरकार को वापस लेना पड़ेगा। तो सरकार वादा कर दिया है हम 50 बार करेंगे, और चीज से जो है पीर बाजार खत्ते का जम्मू कश्मीर का हुआ वो हर भी नहीं हो सकता है, वो आकर कभी छू नहीं सकते अगर ये उनकी पॉलिसियां जम्मू कश्मीर में चलती रही। मैं बात करता हूँ और अर्जी इंडिया में को मुझे बता देना चाहता हूँ कि हमारी ये बात को इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। आज देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया गया है, ये आम जनता की ओर से प्रोटेस्ट किया गया है। देखिए जो स्टेट लोड है, जो लोग 75 साल से इस जमीन को, इस जमीन से